Dear students, today we are discussing another topic, very interesting topic for BSc Part 1 students, gravitational law and gravitational field. Students, myself Kamlesh Thakkar, Assistant Professor, Government Vilasa Girls PG College, Department of Physics. Today we also discuss about the topic of gravitational potential energy and gravitational potential. This topic is taking from the unit first of BSc Part 1. So this is also very important topic or basic topic. So let's go students. कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कैपलस लॉ कुछ किए थे और कैपलस लॉ के बाद हमने ये टॉपिक लिया है. तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे. सो आउटलाइन और दिस टॉपिक इज ग्रेविटेशनल लॉ. फर्स्ट हम ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है इसको जानेंगे, इसके फॉर्मूले इसको देखेंगे. उसके बाद हम आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको देखेंगे, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है ये भी जानेंगे. तो ये चारों टॉपिक पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इनके डेरिवेशंस भी देखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे. वैसे ये बेसिक्स है पर फिर भी हमें इसकी जानकारी लेनी है. सो फर्स्ट ग्रेविटेशनल लॉ. आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले दिया था, और सर आइजक न्यूटन के ने 1686 ईस्वी में इस न्यूटन को प्रपाउंड किया था. इस नियम उनका ये मानना था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे के प्रति हमेशा एक आकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि दो पिंड, कोई भी दो पिंड होता है उसमें हमेशा कुछ न कुछ आकर्षण बल लगा रहता है. तो उनके अनुसार यदि हम देखें तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. इसका मतलब ये हुआ कि यदि पिंड जितने बड़े होंगे उनके बीच आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा, और पिंड के बीच की दूरी जितनी कम होगी उनके बीच आकर्षण उतना ही अधिक होगा. इसके लिए इन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. टू रिमूव द साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हियर ही वी यूज अ कॉन्स्टेंट g, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.669 × 10⁻¹⁵ पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम स्क्वायर. ये वैल्यू हमें याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये वैल्यू, कांस्टेंट है ये. ओके, यदि हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वेक्टर फॉर्म जो इसका है वो F1 वेक्टर इक्वल टू -gm1m2 r² r कैप स्क्वायर, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ F1 एंड डायरेक्शन ऑफ F2 बोथ आर अपोजिट. सो अगर वन डायरेक्शन लेंगे तो क्या होगा, माइनस के फॉर्म में आंसर आएगा, इसलिए आर कैप की जो डायरेक्शन है वो F1 वेक्टर के डायरेक्शन के कैसी होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी. सो ये ग्रेविटेशनल लॉ है, बहुत सिंपल है ये ग्रेविटेशनल लॉ. नाउ सेकंड टॉपिक इज आवर ग्रेविटेशनल फील्ड. व्हाट इज द फील्ड? एक्चुअली आप जानते हैं और हम बचपन से करते आ रहे हैं कि जब कभी भी किसी चुंबक को लेते हैं और उस चुंबक के चारों ओर यदि कोई भी हम आसपास से कोई चुंबकीय पदार्थ लोहे को लाने की कोशिश करते हैं तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करता है. तो जिस प्रकार पृथ्वी भी ठीक वैसा ही काम करती है, क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है, हमें मालूम है कि जब कभी भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो निश्चित रूप से नीचे ही आती है, लेकिन एक निश्चित वेग के पश्चात यदि उसे हम निश्चित वेग से यदि हम उसे ऊपर फेंकें तो क्या वो नीचे आएगी? बिल्कुल नहीं, जिसे हम पलायन वेग कहते हैं. हमने पिछली कक्षाओं में 11वीं की कक्षा में पढ़ा भी है इसके बारे में. तो किसी पिंड के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक उस पिंड के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, इसका मतलब जैसे चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होगा, उसका चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है. ठीक इसी प्रकार किसी भी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का हम क्या कर सकें, अनुभव कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. अब हम इसे समझें कैसे, तो इसे समझना बहुत आसान है. देखिए मैंने जो चित्र में बनाया है कि डायग्राम में m द्रव्यमान का एक पिंड है और स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड है. जो कैपिटल m जो स्काई कलर का आपको दिख रहा है उसका जो बाउंड्री है वो देखिए, उस बाउंड्री के अंदर एक स्मॉल m छोटा सा कम द्रव्यमान का या एकांक द्रव्यमान का एक पिंड आके रुक गया. तो वो एकांक द्रव्यमान का पिंड अपने ऊपर जितना कुछ ना कुछ क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा. तो जब कोई एकांक द्रव्यमान का पिंड अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. बट रिमेंबर कि उस पिंड को, उस छोटे से पिंड को, उस एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर होना आवश्यक है. तो हम क्या कह सकते हैं सार रूप में,
कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड अपने ऊपर जितने बल का अनुभव करता है उसे ही उस बिंदु पर, देखिए उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा अंदर होता तो क्या होता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और ज़्यादा होती है ना। अगर वो ज़्यादा दूर है तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दूरी यदि कम होगी तो आकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। पर यहाँ यदि दूरी बढ़ रही है तो आकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। तो वो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या बना इंटेंसिटी का, आई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर को यूनिट कीजिए और न्यूमिनेटर इज डायरेक्टली इक्वल टू द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक वहाँ पर यहाँ पर भी वही हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने लास्ट पढ़ा, इक्वेशन नंबर टू जो हमारा पहले हमने देखा था, इक्वेशन नंबर टू में देखिए, हम इक्वेशन नंबर टू को एक बार और दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट वाली लाइन, ग्रेविटेशनल वेक्टर फॉर्म जो था F1 इक्वल टू माइनस जी M1 M2 आर कैप, उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिया है आर कैप का। नाउ आई में जो एफ है उस एफ के प्लेस पे हमने उस वैल्यू को पुट किया और जिससे हमारा एक स्मॉल एम और स्मॉल एम कैंसिल हुआ और हमारे पास एक नया इक्वेशन जो बना इक्वेशन नंबर थर्ड, वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो आई इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वैक्टर क्वान्टिटी। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी है, एक वैक्टर क्वान्टिटी जिसकी डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं उसकी डायरेक्शन होगी। लेट्स नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमारा तीसरा बिंदु जो है GPE या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब कभी भी हम गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो एक एरिया है, उस एरिया के जब बाहर जाते हैं तो पिंड को हम हमेशा मानते हैं कि वो अनंत पर है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर यदि कोई पिंड है तो उसे यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाना है तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के हम सोचें कि जब हम पिंड को उठाकर ला रहे हैं अंदर तो जैसे ही वो बाउंड्री पर आया, बाउंड्री के जस्ट बाहर भी है तो मतलब वो अनंत पर है, जैसे ही वो बाउंड्री पर आया तो इसका मतलब खुद पृथ्वी जो है उसे वो एक फोर्स लगा के क्या कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी। मतलब अब उस पिंड को आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इटसेल्फ, कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ठीक वही खुद उस पिंड पर काम करके उसे खींच लेता है। सो वर्क इज नॉट डन बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट, वर्क इज डन बाय द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज वाई हियर द वर्क इज निगेटिव। इसलिए यहाँ पर जो वर्क होता है वो क्या होता है, निगेटिव। तो एक्चुअल है क्या, तो जो वर्क है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट और इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, एनी पॉइंट। सो इट इज़ क्लियर कि पॉइंट आप चेंज कर रहे हो, पॉइंट पे वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो अगर आपने बाउंड्री से अंदर ले आया तो वर्क जो है वो खुद ग्रेविटेशनल फील्ड कर रही है, इसलिए इसका वर्क जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। सो द फॉर्मूला इज U is equal to minus W infinity to R, okay? Some spending is here. Integration of infinity to R FDR equal to minus infinity to infinity FDR. FDR is the formula of force into displacement, is the formula of work. Here DR is misprint. This DR, inside DR is misprinting. Okay? So next. नेक्स्ट सेम इक्वेशन हेयर राइट, इसलिए दिस इक्वेशन इज करेक्ट। यू इज इक्वल टू माइनस इन डब्ल्यू, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था वही इक्वेशन फिर से यहाँ सुधार कर लिखा गया है, इन्फिनिटिव टू आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटिव टू आर एफ डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको जैसा पता चला क्या है वर्क। सो यू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू आर, द फोर्स का जो फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर टू में अभी रखा था वही माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर फिर से रख दिया आर कैप डी आर। नाउ आर कैप डी आर इक्वल टू ओनली डी आर, सो हमने यहाँ से वेक्टर फॉर्म को हटा के सिर्फ dr कर लिया। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन में 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर होगा, सो माइनस माइनस प्लस होके फिर से माइनस आ गया, जिससे हमारा जो फोर्थ लाइन है उसमें माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m इंटू 1 माइनस आर अपर लिमिट माइनस 1 माइनस इन्फिनिटिव लोअर लिमिट, सो 1 अपॉन इन्फिनिटिव विल बी 0। सो u इज इक्वल टू वॉट, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्क्वेलर क्वांटिटी, वी नो द एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट्स मीन वॉट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यदि किसी हम ऐसे पिंड का निकालें जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं
तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर उसको सम करना पड़ेगा। सो जिसका फॉर्मूला आपको स्लाइड के सबसे नीचे वाले हिस्से में आईजेके के फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट द फोर्थ टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव क्या है। देखिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं बेसिकली टेक्निकली बताऊं तो आप ये समझ लीजिए कि गुरुत्वीय विभव में आप एम द्रव्यमान के पिंड को लेकर आ रहे थे, जबकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में आप एम द्रव्यमान के पिंड को लेकर आ रहे थे, जबकि गुरुत्वीय विभव में आप ऐसे पिंड को लेकर आते हैं जिसका द्रव्यमान इकाई है, जो मैंने येलो कलर से किया, यूनिट मास बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वर्क इज डन बाय अबाउट इट सेल्फ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो निगेटिव वर्क हियर ऑल्सो, बट वी नो द यूनिट मास बॉडी जब कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करती है तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो यू इज इक्वल टू नॉट एफ डॉट डी आर, हेयर आई डॉट डी आर, सेम फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर द आई इज इक्वल टू वॉट, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मास बॉडी के लिए था तो स्मॉल एम यहाँ पर है नहीं, उसकी वैल्यू वन हो गई है। आर कैप डी आर को हमने फिर से डी आर लिखा, इंटीग्रेशन किया वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फाइनाइट, तो हमारे पास सिर्फ एक एम नहीं आया क्योंकि यूनिट मास बॉडी थी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए जो हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला आया वो आया माइनस जी एम अपॉन आर। दस वी कैन से हम इसका फॉर्मूला वी के फॉर्म में पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यदि एम हटा दें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में से स्मॉल एम को तो हमें मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह सकते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला जो लिखा है राइट साइड में ऊपर में देखेंगे आप स्लाइड में, वी इक्वल टू यू बाय एम। अब देखते हैं कि यह है कैसी क्वांटिटी। देखिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी स्टूडेंट्स, दोनों ही कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और दोनों ही इन्फिनिटी पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अरे भाई बाउंड्री वॉल से अगर बाहर गया तो वहाँ किसी प्रकार का तो फोर्स लगना नहीं है, कोई वर्क करना ही नहीं है, कहीं कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, अट्रैक्शन के अगेंस्ट कोई वर्क करना नहीं है, तो वहाँ एनर्जी होगी क्या, नहीं होगी। वहाँ पोटेंशियल होगा क्या, नहीं होगी। यूनिट ऑफ जी पी इज जूल पर के जी, करेक्ट है, और यूनिट ऑफ जी पी ई एनर्जी है तो भाई जूल ही होगा। हम ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है माइनस ग्रेड यू होता है, सेंट्रल फोर्स वाले कंडीशन में हमने पढ़ा था। एंड एफ के दोनों साइड में यदि हम एम को डिवाइड कर दे, बोथ साइड टेकिंग एम डिवाइडेड बाय एम, देन एफ अपॉन एम, एंड वी नो एफ अपॉन एम इज व्हाट, आई। सो आई इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, आई दैट मींस इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक्चुअली वी कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। आगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे रेगुलर यूनिफॉर्म बॉडीज़ की अगले लेक्चर में। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप इसे पॉज करके समझिए और देखिए, और कमेंट्स कीजिए या कोई डाउट हो तो उसे लिखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।